फॉल्स फेक या नकली रिजल्ट नहीं है, असली और ओरिजिनल बाल है ये देखो भाई, इतना मतलब पूरे 60,000 के बाल, पूरे 60,000 के बाल है इनके। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हेयर ट्रांसप्लांट इंडिया। आप पहचान रहे हैं इनको, हमारे कमल भाई। वेलकम कमल भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया है। आज 20 महीने का आपका रिजल्ट हो गया है। जी जी। और हमारे जो भाई लोग हैं उनको भरोसा नहीं हो रहा था कि आपका इतना अच्छा रिजल्ट आएगा। उन्हें भरोसा कैसे होगा, मुझे ही नहीं होता। हमारे भाई लोग का जो क्वेश्चन था कि भाई लोग जो आप मुझे बार बार कमेंट कर रहे थे कि कमल भाई का हमको भरोसा नहीं है कि इनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है कि नहीं हुआ, तो भाई को मैंने फिर से पकड़ा, इनसे रिक्वेस्ट की। तो वैसे बहुत अच्छे और बहुत हम्बल हैं हमारे कमल भाई, एक बार बोलने पे आ गए। और हम फिर से इनका वीडियो शूट कर रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट का, 20 महीने का रिजल्ट। तो इस वीडियो को पूरा देखना है, पूरी डिटेल दिखाऊंगा, इनकी बॉलनेस दिखाऊंगा, इनके ग्राफ के बारे में बताऊंगा, अभी ये क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ नहीं कर रहे हैं अपने बालों के लिए, क्या चीज़ें अभी तक यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे थे, वो पूरी डिटेल दूंगा। और ये अपनी बातें आप तक रखेंगे और जो आपके कमेंट, जो आपके सवाल है वो भी मैं इनसे पूछूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना है। तो सबसे पहले कमल भाई, आपके हेयर ट्रांसप्लांट को कितने महीने हो गए हैं? 20 महीने हो गए हैं। इन 20 महीनों में आप क्या यूज़ कर रहे हैं अपने बालों में? कुछ नहीं, बस अपने शैम्पू यूज़ कर रहा हूँ कंटिन्यू। जी। हफ्ते में 2 बार कंटिन्यू, और सफाई रख रहा हूँ बस अपने बालों का, और कुछ भी नहीं, एक्स्ट्रा कुछ भी खर्चा नहीं, कोई भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा खर्चा अपने बालों, क्योंकि हमारे भाई लोगों का सवाल होता है कि भाई हेयर ट्रांसप्लांट के बाद क्या खर्चे करने पड़ते हैं। मुझे भी लगा था कि 1 से 1.5 लाख रुपए तो खर्चा करना ही पड़ेगा, पर मैंने 1 रुपए भी खर्चा नहीं किया है। उसके बारे में तो आपको क्लिनिक वालों ने शायद बताया था क्या, लेकिन मुझे मेरे दोस्तों ने जिसने कराया है पहले, उन्होंने बताया था कि उसके बाद भी आपको दवाइयाँ खानी पड़ेगी, मेडिसिन लेनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा तो अभी तक तो नहीं हुआ है। कहाँ से करवाया था आपके दोस्त ने? नागपुर से कराया था। आप कहाँ से करवाएं प्लीज, हमारे भाई लोगों को क्लिनिक का नाम बताइएगा। सिक्योर हेयर ट्रांसप्लांट से कराया था मैंने। जी। पुणे महाराष्ट्र से। जी जी जी। पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे भाई साहब के जो बॉलेंस है कुछ इस तरीके से थी, आप देख सकते हैं कि भाई कोई भी भरोसा नहीं कर सकता कि भाई इतना ज़्यादा बॉलेंस में इतनी अच्छी रिजल्ट इनको मिलेगा, क्योंकि ये पैच भी यूज़ कर रहे थे करीबन 1-1.5 साल यूज़ किया। जी। 1-1.5 साल इन्होंने पैच यूज़ किया, उसके बावजूद इनका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और मैं आपको बता दूं कि दोस्तों इनको 4,000 ग्राफ्ट लगे हैं। 4,000 ग्राफ्ट के आपके कॉस्टिंग कितना गया था? 60,000 रुपये, जो कि 15 रुपये पर ग्राफ्ट के हिसाब से। वहाँ आपको रहना खाना मेडिसिन फ्री मिला? हाँ जी। कोई भी उसका एक्स्ट्रा चार्जेस बोला उन्होंने? कुछ नहीं। तो आप अगर हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोच रहे हैं या करवाना चाह रहे हैं तो इस दिए हुए क्लिनिक नंबर पे कॉल ज़रूर करें। दूसरी बात जो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो हेयर ट्रांसप्लांट है, इतना अच्छा रिजल्ट आपको कैसे मिला, आप ये बताइए मेरे को। पहली बात तो क्लिनिक। जी। आप कभी भी अगर हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे तो पहले तो डॉक्टर के बारे में पता करें। मैंने भी पता किया, आपसे भी मिला था डायरेक्ट। जी 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 जी। और वहाँ भी पता किया मेरे रिश्तेदार रहते हैं नागपुर में, मैंने उनसे पूछा क्या है क्या नहीं है। उसके बाद मैंने बहुत सर्जरी की। जी। और यहाँ तक कि आपसे मिलने के बाद एक बार मैं पुणे भी गया था अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए। अच्छा। और भी 1-2 क्लिनिक के पास मैं गया था। अच्छा, विजिट किया और? हाँ, क्लिनिक में पता किया था आपने? जी, पता किया था कि क्या है क्या नहीं है प्रोसेस। कोई बोलता था 4,000 ग्राफ लगेगा, कोई बोलता था 6,000 ग्राफ लगेगा, कोई बोलता है कि 2 बार में होगा। लेकिन सर से बात हुई, मैम से बात हुई थी असल में मेरी, उन्होंने कहा था कि आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम बैठे हैं। जी। और मैं अपने आप को उनको सौंप के आ गया भरोसा करके, जो ट्रस्ट। जी, जी। जो ट्रस्ट फैक्टर है। तो दोस्तों सिर्फ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप कहीं भी रहते हो, भारत में रहते हो, भारत के बाहर रहते हो, भारत में कहीं भी रहते हो, आप बिल्कुल भरोसा करके हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं, जिससे आपको मैं ये श्योरिटी दे सकता हूँ कि भाई रिजल्ट तो अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा, और आपको हेयर ट्रांसप्लांट में कोई परेशानी नहीं होगी। कोई परेशानी नहीं। हेयर ट्रांसप्लांट करवाते समय जो बहुत लोग डरते हैं, कोई दर्द, कोई पेन, कुछ हुआ आपको? कुछ पेन नहीं था, कोई पेन? उल्टा सर मुझे बोल रहे थे। अच्छा, यार पेन नहीं हो रहा है, मतलब कोई परेशानी थोड़ी है, पेन नहीं हो रहा। तो वो खुद बोल रहे थे कि भाई पेन हो रहा है कि नहीं, तो वो पूछते हैं। जी जी जी। ऐसा लगता ही नहीं कि क्लिनिक में बैठे, ऐसा लगता है कि घर में बैठे, किसी दोस्त घर में बैठे, दोस्ती यारी से बात चल रही थी बढ़िया। वैसा ही होना चाहिए क्लिनिक, वैसा ही होना चाहिए, जिससे हमको फील नहीं होना चाहिए कि हमारी सर्जरी हो रही है। क्योंकि
अगर ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होगा तो आप कैसे कॉन्फिडेंट फील करेंगे? कहीं 4 से 5 घंटे मेरी सर्जरी चली थी, लगा ही नहीं कि मुझे कि मैं किसी हॉस्पिटल में या कहीं ऐसी जगह बैठा हूँ जहाँ मेरा आपका एक सेशन में हेयर ट्रांसप्लांट हो गया था। दो सेशन मतलब आधा आज हुआ था, फिर सेकेंड डे 1 घंटे में, और मतलब आप गए थे तो एक ही बार में हेयर ट्रांसप्लांट करवा के आए हैं, 2 दिन में हेयर ट्रांसप्लांट हुआ। पहले 16 तारीख को हुआ था, लगभग 3000 ग्राम समथिंग लगे थे जी, और 1000 समथिंग सेकेंड डे सुबह जब मैं निकल रहा था जी जी, उससे 2-2.5 घंटा पहले लगा। तो 2-2.5 घंटा पहले आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, फिर आप निकल गए बिलासपुर के लिए। तो बिलासपुर में रहते हैं हमारे कमल भाई, हमारे फ्रेंड है, हमारे बिलासपुर के ही है। तो ये 24 घंटे सफ़र करके हेयर ट्रांसप्लांट के लिए गए थे, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई हमको इतना दूर कैसे जाएंगे, बहुत लोगों का सोच रहा था जी, मैं अपने भाई को ले गया था इसीलिए साथ में, लेकिन उसकी कैसी जरूरत नहीं है जी, आप अकेले जा सकते हो, अकेले आ सकते हो, ऐसी कोई परेशानी नहीं होती जी जी जी। हल्का फुल्का पेन तो किसी भी चीज़ में होता है जी जी, 2-4 दिन तो रहता ही है जी जी। बाकी वहाँ आपको मेडिसिन फ्री मिला होगा, उसके लिए कोई चार्जेस तो नहीं लिया होगा। दूसरी बात कमल भाई, आपको क्या लगता है हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए? और बहुत जने जो लोग हमारे भाई लोग हैं उनको भाई हेयर ट्रांसप्लांट को लेके बहुत ज़्यादा डर होता है, तो उसके बारे में हमारे भाई लोगों को क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? देखो, डरना तो हर किसी को लगता है, मुझे भी लगता था जी, मगर डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं जी जी। और प्लस आप चाहे कितने भी दवाइयाँ खा लो, चाहे कितना भी खर्चा कर लो जी, आपके जैसे बाल हैं वैसे तो नहीं रहेंगे और कम हो जाएंगे जी जी जी। तो हेयर ट्रांसप्लांट अगर आपको बाल चाहिए तो कराने ही पड़ेंगे जी जी, नहीं तो फिर तो उसका कोई ऑप्शन है ही नहीं जी जी। क्योंकि मैंने भी बहुत सारे खर्चे किए थे, क्यों बहुत लोगों का जो जिससे मिलता था, अरे यार ये दवाई खा लो, ये लगा लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, योगा कर लो, सब सब अपना पैदल चलो, बिना बिना चप्पल के घास में चलो, हर चीज मैंने भी लेकिन होता कुछ नहीं, और कम होता है और हेयर फॉल रुकता ही नहीं है और बढ़ते जाता है, उससे पूरा हेयर फॉल बढ़ते जाता है। तो आप हमारे भाई लोगों को क्या बोलना चाहेंगे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए? हेयर ट्रांसप्लांट करा लो, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं तो फिर ऐसे ही रहो फिर गंजे ही रहो, ऐसा लगाओ मत कुछ कुछ नहीं होना उससे। बोलते हैं लोग कि PRP और मेडिसिन से बाल आ जाते हैं, तो उसका कुछ बताना चाहेंगे? बहुत मैंने तो कराया नहीं है, मुझे भी 2-3 लोगों ने कहा आप PRP करा रहे हो, मतलब भाई पता नहीं है, कहीं हो रही होगी ऑटोमेटिक तो पता नहीं वैसे तो मैंने नहीं किया, मैंने खर्चा नहीं किया, अब सर ने किया होगा बाल के साथ ही कुछ, PRP तो अलग बात है मैंने तो कुछ कॉस्ट नहीं दिया है उसका, अपनी तरफ से कर लिया होगा सर ने तो अलग बात है। जोक सपाट भाई, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है कि PRP और मेडिसिन से बाल आ जाएंगे। अपने बालों का ध्यान रखोगे तो आपको कुछ कराने की जरूरत ही नहीं है, और अपने अंदर बस भरोसा रखो कि मेरा काम हुआ है, अच्छे से अच्छा हो, ही हो जाएगा। बस आप सोचोगे कि उसका रिजल्ट आया है, उसका नहीं आया, ये सोचोगे तो कभी जीवन में आपका भी रिजल्ट नहीं आएगा, टेंशन भी बढ़ते जाएगा। लोग तो ऐसे ही टेंशन लेते रहते हैं जी जी, कि भाई मैं आज ये घिस लेता हूँ, आज ये PRP ले लेता हूँ। मुझे भी लगता था पहले, सबको लगता है, लेकिन मैंने जिस दिन हेयर ट्रांसप्लांट कराया था ना, उसके सेकेंड डे ही मैंने अपने दिमाग से सब चीज निकाल दिया था, इरेज कर दी। अब जो होगा देखा जाएगा उसके अलावा मैंने 1 रुपया खर्चा नहीं किया है जी, सिर्फ और सिर्फ शैम्पू यूज करता हूँ, और नॉर्मली जो आज मेरा 18 साल पहले की जिंदगी थी ना जी जी, सुबह उठो, जैसे नहाना है नहाओ, जो लगाना है शैम्पू जो सामने मिला उसको भी लगा लेता हूँ कभी कभार। अच्छा, ऐसा तो कोई पर्टिकुलर एक यूज करता था वैसे डव का, लेकिन आजकल जैसे नहीं है तो दूसरा भी यूज कर लेता हूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपको 20 महीने में आपके बाल बाल झड़ रहे होंगे ऐसा? नहीं कुछ? बिल्कुल नहीं। या कुछ मेडिसिन या कुछ भी ऐसे यूज़ कर रहे हो जो हमारे भाई लोग को बताना चाहिए? नहीं, कुछ यूज़ नहीं करो, शैम्पू के अलावा कुछ यूज़ नहीं करो। तो दोस्तों, अगर आपको मन में डाउट चल रहा है कि भाई हमारे भाई के बाल ऐसे कैसे हैं और क्या लेते हैं, तो जो आपके सवाल थे मैंने कमल भाई से पूछ लिया है। दूसरी बात, अब मैं कमल भाई का रिजल्ट शो करने वाला हूँ आप लोगों को, तो आप बिल्कुल ध्यान से इनका रिजल्ट देख लीजिए कुछ इस तरीके से।
दोस्तों अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है तो आप इस दिए हुए क्लिनिक नंबर पे कॉल करो। जैसे आपने कमल भाई का रिजल्ट देखा है वैसे ही इनका रिजल्ट है, कोई फॉल्स फेक या नकली रिजल्ट नहीं है, नकली नहीं है, असली और ओरिजिनल बाल है ये। ये देखो भाई इतना मतलब पूरे 60,000 के बाल है, पूरे 60,000 के बाल है इनके, तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। जाओ हेयर ट्रांसप्लांट करवाओ। और बिल्कुल भाई आपको लगता है तो इस वीडियो में कमेंट करो, लाइक करो इस वीडियो को, और उन लोगों को शेयर करो जो गंजेपन के शिकार हैं, जिनको हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है कि नहीं कमल भाई। बिल्कुल, जो भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं बिल्कुल करवाइए। और मैं मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए भाई के साथ, एक नए रिव्यू के साथ, एक नए रिजल्ट के साथ। तब तक मेरे वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।